मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले राजधानी भोपाल के चिनार पार्क पर स्थित कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं की गई तो 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। एनपीएस की अर्थी निकाल रहे हैं न्यू पेंशन योजना 2005 की, जो कर्मचारी विरोधी है, जिसने 6 लाख कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी छीन ली है। और राज्य सरकार से हम लोग 6 महीने से निरंतर आंदोलन करके मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना ही लागू की जाए, जो कर्मचारी हितैषी है, और एनपीएस को वापस लिया जाए, जैसा छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लिया गया है, पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है, झारखंड में लागू किया गया है। लेकिन राज्य सरकार हमारी मांगों की उपेक्षा कर रही है, संज्ञान में नहीं ले रही है। 6 लाख कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उनके वेतन से कटौती तो पैसा हो रहा है, लेकिन NSDL कंपनी मुंबई लाखों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला कर रही है कर्मचारियों के पैसे से। उनको कोई आकस्मिक पैसे निकालने की व्यवस्था नहीं है, फंड कटौती का पैसा भी पूरा नहीं दिया जाता है, और पेंशन मात्र 500 रुपये बनाई जा रही है, जिससे उसके परिवार का भी भरण पोषण नहीं हो सकता है। क्या कर रहा है? अभी भी नहीं चेतेगी तो उससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा।